नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम चलते हैं टैलेंट्स ऑफ स्लम्स के एपिसोड नंबर 2 में। लेकिन उससे पहले हम आपको दो ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में आने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, एक है आइकॉनिक इरफान और दूसरे है सुमी कलन, जो कि सुमित नाम है जिनका, जिन्हें प्यार से सब सुमी कलन कहते हैं। और जो दूसरे है वो है आइकॉनिक इरफान। आइए हम चलते हैं कल्याण डोंबिवली की ओर, जो कि स्लम एरिया में रहते हुए भी उन्होंने अपने जोश को, अपने जज्बे को इस तरीके से अपने आप में एक मिसाल बना दी कि आज उनके पीछे लाखों फैन फॉलोइंग है। आइए हम जानते हैं उनके एक छोटे से सफ़र के बारे में कि उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया है और स्लम जैसे एरिया में रहते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। आइए हम चलते हैं आइकॉनिक इरफान के पास और सुमी कलन के पास। दोस्तों, आज हम आए हैं कल्याण में, जहां पर दो ऐसी शख्सियत है जिनकी तारीफ में हम आपको कुछ बता नहीं सकते। बस इतना कहेंगे कि टैलेंट तो हर जगह पर है, बस इंसान को अपना टैलेंट सामने लाने की ज़रूरत है। आइए हम बात करते हैं इरफान शेख से, जो कि इंस्टा पर भी है, यूट्यूब पर भी है और टिकटॉक पर भी उन्होंने अपनी काफ़ी वीडियोस डाली है, जो कि मॉडलिंग की दुनिया में एक बेताज नाम से मशहूर है। उनके साथ में है सैमी कलन, जो कि सुमित कलन जिनका नाम है। उन्होंने भी अपना मॉडलिंग में इस तरीके का टैलेंट शो किया है, आप इंस्टा पर जाके उनकी लाइक्स और फॉलोइंग देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं इन लोगों के एक छोटे से सफ़र के बारे में। इरफान भाई, जैसे कि आज आप मॉडलिंग के एक स्टार डंपर हो, तो आपने अपना जो सफ़र स्टार्ट किया होगा जब, तो एक आप छोटा सा हमको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है? एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक यू, यू गाइज आर वॉचिंग मी, और थैंक यू आपने मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए। मैं यही बताना चाहूँगा कि स्ट्रगल जो है ना, ये हमेशा मॉडलिंग के साथ चलता है और सक्सेस के साथ चलता है। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप सक्सेस के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप सक्सेस के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जितने भी आज आप स्टार्स देखोगे, कहीं ना कहीं उन लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है। तो स्ट्रगल के बिना आप सक्सेस पे नहीं पहुंच सकते। और मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, वो बहुत पुरानी बात है, जब मैं स्टार्टिंग में कुछ टीवी सेट्स पे जाया करता था, वहाँ पे क्राउड में बैठता था। बट वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी कुछ एक अलग पहचान बनानी है। मुझे वो नहीं बनना जिसके लिए जो दुनिया के पीछे भागे, मुझे वो बनना है दुनिया जिसके पीछे भागे। तो आज मैंने वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अचीव कर ली है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं। और मैं हर वो व्यूअर्स जो देख रहा है, जो मॉडल बनना चाहता है या जो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जितनी मदद होगी, मैं आप लोगों की वो मदद करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इस फील्ड में आपको कैसे आगे जाना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, मेरे लिए कोई चार्जेस नहीं है इस चीज़ के। इरफान भाई, आपकी इस सोच को मुमरा एक्सप्रेस सलाम करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप खूब तरक्की करो। और इंशाल्लाह हम हमारे ऑडियंस से भी उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर 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 आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर उनको आपकी कहीं ज़रूरत लगी तो। जी सर। और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपके बाजू में जो शख्सियत बैठी है, जिन्हें सैमी कलन के नाम से भी जाना जाता है इंस्टा पर, तो आप दोनों साथ में मिलकर के कुछ अगर आगे करने का प्लानिंग है आप लोगों का? एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ है, जस्ट कुछ दिन पहले सैमी कलन और मैं मिले थे किसी शूट के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे जब हम लोगों की बातचीत हुई, हम लोगों को पता चला कि हम लोग आसपास के ही है और हम लोग को कुछ करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है ना, जो मैं बात करना चाहूँगा, पूरे यहाँ से लेके थाना तक, तो थाना के वो तरफ बहुत टैलेंट है और थाना के इस तरफ उससे ज़्यादा टैलेंट है। बट यहाँ के लोग अपने टैलेंट को समझ नहीं पाते कि उनमें भी क्या टैलेंट है। फ़ैन मत बनो किसी के, लोगों को अपना फ़ैन बनाओ। हर किसी में वो टैलेंट है, आप लोग सिर्फ पहचानो। मैं बहुत वक्त से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के कुछ टैलेंटेड बंदे मेरे साथ आए, जिनके लिए मैं बहुत कुछ कर सकूँ और जिनके साथ मिलके मैं बहुत कुछ कर सकूँ। बिकॉज विदाउट टीम एफर्ट कुछ नहीं हो सकता। आइकॉनिक इरफान आज आइकॉनिक इरफान है तो वो उसके दोस्तों की वजह से, उसके फैंस की वजह से, उसके चाहने वालों की वजह से, इसके अलावा कुछ नहीं है। तभी सैमी कलन और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में कुछ करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग एक कवर सॉन्ग के लिए काम करने जा रहे हैं। और बहुत कुछ है आगे जो वक्त के साथ मैं बताते जाऊंगा और इस चीज़ के बारे में दिखाते जाऊंगा। आइए हम बात करते हैं सुमित कलन जी, जिनका नाम सैमी भी है, इंस्टा पर सैमी कलन के नाम से मशहूर है। उन्होंने अपना स्टारडम पाने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल किया, एक छोटी सी उनकी लाइफ जर्नी हम उनसे जानते हैं।
जैसे कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, आज एक आपने लगभग 700 के आसपास इंस्टा पे फॉलोअर्स बनाए, तो शुरुआत आपने की तो आपको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? मैंने ऐसी शुरुआत की कि मैं पहला फेसबुक पे मेरा बहुत फेम था, फेसबुक से मैंने इंस्टा पे आया, मेरा दोस्त मिला मेरे को, भाई बोलता तो फेसबुक पे बहुत फेमस है, तो बोलते है ये न्यू ऐप आया है इस पे जाके देख, बोलता है मतलब जैसा FB पे तो फोटो अपलोड करता है वैसा है इंस्टाग्राम है, तो उसने मेरे को वो इंस्टाग्राम भी ओपन करके दिया, तो उसका नाम भी मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि उसने तो मेरे को इंस्टा पे लाया है, उसका नाम है इंस्टाग्राम पे मिस्टर ब्रांडेड है, उसका रियल नाम है अक्षय कामरी है, तो उसने मेरे को सब कुछ मतलब बोला कि ऐसा ऐसा, तो मैंने मेरा मैं देखो मेरा मम्मी पापा तो ऑफ हुआ है, तो मैं मतलब 8 या 10 साल का था तब से मैं मतलब फेसबुक यूज करता था, लेकिन मेरे को फेसबुक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने चालू किया ऐसा करते करते, तो मतलब मैंने क्या किया, दोस्त लोग का कैमरा था, वो लोग मांगता था मैं कैमरा किसका, कोई देता नहीं था फ़ोटोशूट के लिए, तो मोबाइल का फ़ोटो डालता था अपने को लाइक कम जाते थे, और कैमरा का डालता था उसको 1000 2000 3000 ऐसा लाइक जाने लगे, तो मैंने क्या किया बोला चलो कैमरा तो कोई देता नहीं है, अपने को शौक है, अपने को आगे जाने का है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो मेरा मतलब खुद का रिक्शा था, मैंने वो रिक्शा बेचा और मैंने कैमरा लिया, तो मेरे को सब जन मतलब गाली देने लगे, ये करने तू रिक्शा बेच के तूने बोलते अभी कैमरा लिया तू क्या करेगा, तो मेरे को ही पता था मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ, तो मैंने रिक्शा बेचा कैमरा लिया, तो अभी सबको पता चला कि अभी ये रिक्शा बेच के ये क्या बना है, तो अभी देखो मतलब अभी सब कुछ तो सबको ही पता है अपना सामने है, तो ऐसा करते करते मतलब रास्ते में ऐसा लड़का लोग मेरे को मिलता था, भाई एक सेल्फी 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 मतलब सेल्फी करके करके अभी मेरे को भी लगा इतना फैम लोग अपने को सेल्फी के लिए आते हैं, तो आगे जाने के लिए भी अपने को कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैंने वही दिमाग में रखा कि चलो कोई कितना भी गाली दो किसका सुनने का नहीं, जो मेरा मर्जी है आगे जाने का मैं वैसा ही आगे जाएगा, तो मैंने मेरा भांजा था मेरा 1.5 साल का था, क्योंकि उसकी तो इतनी पहचान है, उसके वजह से मेरी ही पहचान होने लगी अभी यूट्यूब पे बोलो इंस्टा भी बोलो, क्योंकि बच्चा छोटा बच्चा है वो रुद्रा पाटिल नाम है उसका, उसको तो कैसा मतलब फॉलो करते पब्लिक जल्दी से जल्दी, तो हमारा दोनों का मतलब इंस्टा पे फोटो आता है, पब्लिक बोलते है मामा भांजे बहुत मतलब अभी के इसमें बहुत फेमस है वैसा, तो वैसा करते करते मैं गया आगे, लेकिन मैं किसका सुना नहीं, ये भाई मिला मेरे को बोला सैमी अपन दोनों मिला के काम करते हैं, मैं बोला ठीक है चल काम करते हैं, अपने को फैमिली बनाने का मतलब ऊपर ही जाने का बहुत अपने को किसका सोचने का, बोला टीम बनाते हैं अपन, तो मैंने ऐसा ही मतलब अभी आते हैं मेरे साथ उन लोग को मैं बोलता हूँ चलो अपन टीम बनाते हैं, तो अभी हम लोग मिले हैं, तो अभी तो बाकी अभी हम लोग किसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, काम सक्सेस राइट सी बात है, मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटर्स है, तो आप लोगों को भी मेहनत कड़क करनी पड़ेगी, और ये भी हो सकता है कि आप लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी क्रॉस करोगे, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आप दोनों की जोड़ी बहुत रंग लाएगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे फैन लोग आपको और इरफान भाई को खास करके ये जोड़ी में पसंद करेंगे, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ हमारे कलवा मुमरा दीवा थाना डोंबिवली कल्याण यहाँ के यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेगा आप लोग कि आपके इस मैसेज से वो यूथ मोटिवेशन में आए और इंस्पायर हो, हम ये चाहते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा हमारी सारी यूथ को, जो काफ़ी पसंदीदा शायरी है मेरी, मंजिल मिलेगी मुझे ठोकर खाकर ही सही, मंजिल मिलेगी मुझे ठोकर खाकर ही सही, बदनसीब तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, तो दोस्तों अगर आप लोगों को सक्सेस के मुकाम पे पहुँचना है तो घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी मेहनत की है, मैं रात को 4 बजे के पहले सो नहीं पाता हूँ, मेरी आदत बन चुकी है ये, क्योंकि मैंने भी कॉल सेंटर किया, लाइफ का बहुत बुरा फेस देखा है, तो रात भर जागने के बाद मैं ना सुबह 6 बजे में मैं ऑन लोकेशन मेरे शूट लोकेशन पे टच रहता था, जो हमारा कवर सॉन्ग आ रहा था तो उस लोकेशन पे मैं टच रहता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ है जो बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क पेस ऑफ, वो मिलता ही है, हार्ड वर्क आप करो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप लोग भी करो, आप लोग भी स्टार हो, सिर्फ आप लोगों ने नहीं पहचाना है, आपके घर वाले आपको पहचानते हैं, आप मेहनत करो आप आगे बढ़ोगे। आपकी तरफ से कोई मैसेज सैमी? मेरा एक ही मानना है, इसके ऊपर जलो मत, जो कुछ काम कर रहा है करने दो उसको, तुम भी वो काम करो, देखो मैं तो अभी ये काम इसमें गया हूँ, इंस्टा पे टिकटॉक पे आया हूँ, अभी यूट्यूब पे तो पहले से है हम लोग, तो अभी और हम लोग आने चाहता हूँ यूट्यूब पे भी, मतलब ऐसा अभी करेंगे
तो पब्लिक को दिखाएंगे क्या इन लोगों ने कुछ किया है। लेकिन किसके ऊपर जलो मत, जो कर रहा है करने दो, तुम लोग भी आगे जाके कुछ करके दिखाओ, बस यही है। आप लोगों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं मुमरा एक्सप्रेस टीम की ओर से कि आप लोग जल्दी बहुत अच्छी कामयाबी पर पहुंचोगे और बुलंदी पर जाओगे। और एक मैसेज देना चाहता हूं मैं, बहुत सारे लोग जो मॉडल बनना चाहते हैं, फैशन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, तो एक ब्रांड है जिसके साथ में मैं टाई अप हूँ, फैशन एसटी, जो इस वीक में शायद अभी डेट्स कंफर्म नहीं है, इस वीक में उसका न्यूज़ पे टेलीकास्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो लोग आए, वो शो को ज्वाइन करें। उनका अभी रिसेंटली 23 फेब को एक शो हुआ है, अब उनका ईयरली एक शो होता है, तो वो शो बहुत जल्दी से सेकेंड ईयर आने वाला है, जिसकी बहुत सारी ट्रॉफीज़ आप लोग देख सकते हो मेरे घर में, तो ये सारी ट्रॉफीज़ है, तो आप लोग भी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप लोगों को सिर्फ एक पहले स्टेप की ज़रूरत होती है। जब मैं भी इंडस्ट्री में आना चाहता था, मेरे पास कोई स्टेप नहीं था, बट जब मैंने स्टार्ट की और शुरुआत की, तब मुझे समझ आया, वहाँ से कॉन्टैक्ट्स मिलते गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एक स्टेप चढ़ता गया। बट हाँ, मैं जिसके भी साथ चढ़ा, मैं आज तक उसको नहीं भूला, ये चीज़ ध्यान में रखना। जिस किसी के भी साथ में शुरुआत करो, उसे कभी मत भूलना। लोग आपको भूल जाए कोई गम नहीं, आप नहीं भूलना। हम उम्मीद करते हैं आपका ये मैसेज उन लोगों तक पहुँच जाएगा जिन्हें आप ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे फ़ैन और आपके फ़ैन इंशाल्लाह आपको बुलंदी पर लेके जाएंगे। प्लीज़ हमारे मुमरा एक्सप्रेस के व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज। मुमरा एक्सप्रेस के व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि गाइज, कोई है जो आपके एरिए से खड़ा हुआ है, जो आपके एरिए से टैलेंट निकालना चाहता है, क्योंकि ये जब मुझसे मिले और इन्होंने इंटरव्यू के बारे में कहा, तो इन्होंने सिर्फ सबसे पहले एक चीज़ कही कि हमारे मुमरा, दीवा, कलवा, ठाणे, ये बहुत टैलेंट है, बट यहाँ का टैलेंट निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों को उभार के सामने लेके आए। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, तो ताली दोनों हाथों से बजती है, अभी जैसे टिकटॉक पे चल भी रहा है ताली वाला ट्रेंड, तो ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई आपकी हेल्प के लिए खड़ा हुआ है तो आपका भी है कि आप इनकी हेल्प करो, इनके चैनल को एक लेवल तक लेके जाओ, ताकि कहीं कल इनके ही चैनल पे, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हो, इसी चैनल पे आपका इंटरव्यू होगा और मैं अपने यूट्यूब पे आप लोगों को देख रहा होगा कि यस कोई है। तो थैंक यू वेरी मच, और ध्यान दो अपने आप के ऊपर, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान और सैमी आपके कीमती समय के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो आपने हमारे को इंटरव्यू दिया है, आपके इस इंटरव्यू से हमारे मुमरा की, कलवा की, दीवा की जो यूथ पीढ़ी है वो मोटिवेट होगी, उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा, बस हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ बोलो ना, मैं पूछता हूँ। दोस्तों, हमारे डोंबिवली की आवाम के लिए, जो वहाँ के यूथ है, उनके लिए सैमी अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो कि डोंबिवली कल्याण में उनके फैंस है। आइए हम सैमी से जानते हैं। मैं डोंबिवली में रहता हूँ, मेरा नाम गांव का नाम भी है एडुटने गांव है, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ, जो भी मतलब बोलना चाहता हूँ, इन अपना चैनल को इनके सपोर्ट करो थोड़ा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैमी, हम बहुत आपके आभारी है, मुमरा एक्सप्रेस टीम भी आपके आभारी है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू इरफान। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।